तो भाई लोग आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्लैश स्क्वाड की कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि भाई हर बंदा करता रहता है। अगर इन सब मिस्टेक्स को तुम अवॉइड करोगे ना तो तुम हर मैच को जीत जाओगे यार। और हाँ, इस भाई वीडियो में मैंने कोई भी घिसी पिटी मतलब पुरानी ट्रिक नहीं बता रखी, मतलब पुरानी मिस्टेक्स नहीं बता रखी है, सब की सब नई नई बता रखी है जो कि हर बंदा करता ही रहता है। तो इसलिए वीडियो क्लास तक जरूर देखना, वीडियो जब भी पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ना। तो चलो वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले नंबर मिस्टेक जो कि हर कोई करता है, जब तुम नॉक पड़ते होगे ना तो तुम अपने टीममेट को हमें जबरदस्ती बुलाने लगते हो, मतलब हेल्प 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 मतलब उसके ऊपर प्रेशर देते हो यार। तो वो बेचारा आ जाता है और रिवाइव देने लगता है। तो अगर आसपास कोई एनिमी रहता है ना तो आके दोनों को फेस कर जाता है। तो ऐसे तुमको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर तुमको देखना है, अगर तुम्हारे पास आसपास एनिमी है तो तुमको रिवाइव के लिए नहीं बुलाना है उसको। जब सिचुएशन अच्छी होगी तब वो खुद आके तुमको देखेगा, या तो तुम बुला सकते हो। तो मतलब देखो करो, अगर तुम्हारे पास एनिमी है आसपास तो तुम उसको मत बुलाओ, अगर नहीं है तो तुम बुला के रिवाइव हो सकते हो यार, नहीं दोनों मारे जाओगे। तो ऐसी मिस्टेक मत किया करो। तो इस वाली मिस्टेक को तो हर कोई करता रहता है यार। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे एक बंदे को मैं यहाँ पे नॉक डालता हूँ, तो देखो एक बंदे को मैंने नॉक डाला यहाँ पे और दूसरा बंदा मुझे डैमेज दे रहा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ मैं उसको पहले मार दूंगा, मैं उसको फिनिश कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता यार, अगर तुमको जहाँ से डैमेज पड़े ना तो तुमको वहाँ पे खड़े होकर तुमको फायर नहीं करना, या तो तुमको देखना नहीं है, तुरंत से फटाक से ग्लू वाल लगाओ या तो कवर में जाओ, जिससे तुम बच सको, अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सको, फिर से तुम आके लड़ सको। तो मतलब जहाँ से डैमेज खाओ तुरंत से कवर या ग्लू वाल में जाओ, वहाँ पे खड़े मत रहो यार। सबसे बड़ी गलती यही होती है, फिर बंदे नॉक हो जाते हैं आराम से। भाई साहब ये वाली मिस्टेक जो मैं बताने वाला हूँ ये भाई तो हर कोई करता है, मतलब यहाँ पे प्रो प्लेयर भी कर देते हैं कभी कभी। तो देखो मतलब होता क्या है कि अगर तुम किसी भी बंदे को नॉक करो ना तो तुरंत फिनिश कर दिया करो। अब ये वाले चच्चा सोच रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही प्रो बन रहे थे। देखो यहाँ पे इन्होंने नॉक किया और नॉक करने के बाद फिनिश नहीं किया, तो मैंने फिर से अपने हेल्थ को मारा, मतलब कि रिवाइव हुआ और रिवाइव होने के बाद भाई साहब बजा दिया अल्ट्रा को, मतलब उल्टा पड़ गया इनका पासा। और भाई साहब अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी टीम को तुमको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, मतलब कि जब भी नॉक किया करो तो तुरंत से फिनिश कर दिया करो यार, झंझट ही खत्म साला। तो भाई लोग ये वाली मिस्टेक हर कोई करता है, लेकिन भाई साहब अनजाने में करते हैं लोग बंदे। तो करते क्या बंदे, किसी भी गन को लेकर किसी भी राउंड में उतर जाते हैं और मारने लगते हैं। तो लो तुमको ऐसा कुछ नहीं करना यार, एकदम से बिल्कुल इस वाली मिस्टेक को अवॉइड करो। जब अपने मैच मैप को देखा करो, अगर ज्यादा लुका छिपी मतलब ज्यादा क्लोज रेंज वाला मैप हो ना, मतलब ज्यादा कवर वाला रेंज हो मैप हो, तो तुमको यहाँ पे शॉर्ट गन की इस्तेमाल करना चाहिए, या तो फिर एसएमजी का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब शॉर्ट रेंज का गन इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर लॉन्ग रेंज का जहाँ पे ज्यादा कवर ना हो तो तुम स्नाइपिंग स्नाइपिंग खेल सकते हो, मतलब लॉन्ग रेंज ऑटो गन ले सकते हो यार, एआर गन ले सकते हो, ऐसे करके तुम आराम से बंदों को टपका सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने एसएमजी से 3 बंदों को टपका दिया, उसको भूल जाओ कि मैं भी मारा जाता हूँ। हाँ तो तुमको राउंड को देख कर लेना होगा, क्लोज रेंज में क्लोज रेंज की गन और लॉन्ग रेंज में लॉन्ग रेंज की गन, तो तुम आराम से जीत सकते हो मैच को। तो भाई लोग अगले नंबर मिस्टेक में सभी ये करते हैं कि अपने टीम मेट के साथ भाग जाते हैं। तो यार तुमको ऐसा नहीं करना, तुमको अकेले जाना होगा। अब सभी बोलेंगे भाई यार पीएसजी तू ये क्या बता रहा है, मतलब सभी बोलते हैं कि तुम अपने टीम मेट के साथ जाओ और तू बोलता है कि अपने टीम मेट के साथ मत जा। तो देखो यहाँ इसके पीछे संभालना समझो, ये पुरानी ट्रिक हो गई तुम अपने टीम के साथ जाओ, अब ये नई ट्रिक है कि तुम अपने टीम के साथ मत जाओ। देखो तुमको ऐसी जगह जाना हो जगह जहाँ तुमको कोई एक्सेप्ट ना कर सके, मतलब कोई तुमको सोच भी ना सके, तुम यहाँ से भी आ सकते हो, मतलब घूम घाम के किसी भी एरिया से तुम जा सकते हो एनिमी को किल करने। अगर तुम घूम के जाओगे तुमको कोई सोच भी नहीं रखेगा कि तुम यहाँ से आओगे, तो तुम आराम से किल भी निकाल सकते हो, अपने टीम को भी जिता सकते हो। और अगर तुम अब यहाँ पे अपने टीम मेट के साथ जाओगे ना तो यहाँ पे सभी बंदे तुमको जानते होंगे कि तुम इधर से आने वाले हो, तो तुम आराम से मारे जाओगे यार। तो इस तरह बोल रहा हूँ कि तुम अपने टीम के साथ मत जाओ, कहीं दूसरी जगह जाओ जहाँ कोई सोच ना सके। तो यार बस यही थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर, घंटा दमे फिल्म में आ जाओ। तो यार मिलते हैं, तब तक लिए टाटा।